एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग रिंगवाल चंद्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंगलोर के ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप अपना एडमिशन ले सकते हो और जहाँ आप अच्छे से अपने सॉफ्टवेयर कोर्सेज कर सकते हो। बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट और आपका टेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा लाइक ऑन डिमांड है। बैंगलोर में इसके बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। अर्ली आई हैव एक्सप्लोर्ड फ्यू एंड एक दो है जो मैंने अभी और एक्सप्लोर किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी इसकी डिटेलिंग। बट देखो, कभी भी आप अगर बैंगलोर जा रहे हो, पहले तो बैंगलोर यस एक आईटी हब है, तो आपको ऑप्शन अच्छे मिलेंगे जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। इंस्टीट्यूट अच्छे मिलेंगे, तो ड्राइव्स तो आपको बेटरली वहाँ मिलेगी एज कम्पेयर इन योर ओन सिटी। अगर आपकी सिटी आईटी हब नहीं है या फिर ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है रिलेटेड टू द आईटी फील्ड, तो आपको डिफिकल्टीज हो सकती है। सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द कोर्स, बेटर टू गो फॉर दैट रेस्पेक्टिव प्लेस एंड डू योर वर्क एंड लर्न द थिंग्स प्रॉपरली। और घर में बैठ के मे बी ऑनलाइन थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगे, एंड देन जब आपको रियलिटी में जब फेस करना पड़ेगा इंटरव्यूज एंड ऑल, तो आपको वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बी श्योर कि आप उसी जगह पे हो। बैंगलोर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ मैंने एक्सप्लोर किए थे। तो हमेशा याद रखना, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले उसका अच्छे से रिसर्च करो कि उसका प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है और सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, कितने दिन की डेमो क्लासेस वो दे रहे हैं, फीस क्या है, ईएमआई में पे कर सकते हो या नहीं, और स्टूडेंट फीडबैक ज़रूर लेना क्या क्या उनके प्लेसमेंट है। और सिर्फ उनके प्रॉस्पेक्टस से ही नहीं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे बात करना। ये करोगे तो आपको एक्जैक्ट रियलिटी पता चल पाएगी। इंस्टीट्यूट जैसे बहुत सारे हैं बैंगलोर में, लाइक आपका जे स्पाइडर है, क्यू स्पाइडर है और फिर आपका कोडनेस्ट है। इसके अलावा वहाँ पे और भी इंस्टीट्यूट है। जे स्पाइडर जैसे मैंने पर्सनली वहाँ पे एडमिशन लिया था, तो मुझे उसका अच्छे से लाइक नॉलेज हो गया था, क्योंकि ऑनलाइन आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखती है और जब आप ज्वाइन करते हो कुछ और। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि कोडनेस भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है एंड कोडनेस को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, उसके बारे में डिटेलिंग वीडियो बनाने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कोडनेस के बाद अगर आप बात करते हो डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस के लिए आप उस वहाँ आई न्यूरॉन ज्वाइन कर सकते हो, प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग के भी बहुत सारे हैं। बट आप जो भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, टू बी वेरी श्योर कि वो इंस्टीट्यूट रियलिटी में वही होना चाहिए जो आपको शो कर रहा है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पंकज सर अकेडमी के बारे में मैंने बताया था, कुछ लोगों ने वहाँ ज्वाइन किया, कुछ के अच्छे रिव्यूज़, बट कुछ के मुझे रिव्यूज़ आए कि लाइक वो सेटिस्फाई नहीं है। तो वो करने से बेटर है पहले सारी जगह डेमो ले लो। मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगी, इस इंस्टीट्यूट में जाओ, बेटर है डेमो लो और उसके बाद अपना अच्छा डिसीजन बना पाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, वहाँ जरूरी है आप कोडिंग करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं मतलब कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। प्लेसमेंट चाहिए आपको, इंटरव्यूज के ऑप्शन चाहिए, बेटर है पहले अपनी प्रैक्टिस अच्छी करो, स्किल्स इंप्रूव करो, कोडिंग करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप कोर्स करते हैं और आपको बिल्कुल टेक्निकल जॉब चाहिए, तो यहाँ पे जैसे फ्रंट एंड है, बैक एंड है और आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ये सारे कोर्स की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे री लेवल ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सारे कोर्स को गेमिफाइड मैनर में कर सकते हो। री लेवल आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है जहाँ पे आप अच्छे से कोर्स को करके कंपटीशन दो, प्लस अच्छे स्कोर कार्ड के साथ आप वहीं पर अपनी जॉब इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकते हो। एंड गाइस, जितना अच्छा आप स्कोर करोगे, आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है हम कोई मतलब गेम को नहीं जीत पाते, हम लॉस कर देते हैं। तो वहाँ पे अब आपके पास एक ऑप्शन है पावर अप का, जिस वजह से पावर अप आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी रैंकिंग ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो कैसे आप पावर अप को बढ़ा सकते हो, आप जितने ज़्यादा रेफर करोगे अपने दोस्तों को, उतने ज़्यादा पावर अप अर्न कर सकते हो और पावर अप आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी रैंकिंग्स कम ना हो। एंड गाइस, यहाँ पे वन डे का कॉन्टेस्ट होने वाला है, 11 मार्च को इसकी लीक है, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है उसमें रजिस्टर करने का, सिंपली आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है। अगर नहीं बनाई है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, मेरा रेफर कोड यूज़ करो। और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने वाला है रजिस्टर का, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। गाइस, 11 मार्च से लीक शुरू हो जाएगी और एक दिन की लीक के साथ गाइस यहाँ पे टॉप 100 प्लेयर्स के पास अच्छा ऑप्शन है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छे प्राइजेस जीत पाए, लाइक मैकबुक एयर, आईपैड एयर, किंडल पेपरवाइट, और बाकी सबको 5000, 2000, 1000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। एंड गाइस, मेक श्योर आपकी रैंक को कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपके पास है ऑप्शन पावर अप, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों को रेफर करो और ज्यादा से ज्यादा पावर अप अपने पास गेन करो। एंड गाइस, यहाँ पे री लेवल ऐप आपका मल्टीपल कंपनीज के साथ टाई अप है, मोर देन 500 आई कैन से। यू कैन सी इन द स्क्रीन इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस एंड केलॉग्स एंड फर्स्ट क्राई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप है। तो आप यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि कोर्स करो, अपने दोस्त को रेफर करो, ताकि आप यहीं पे अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप किसी भी अनोन कॉम्पिटिटर के साथ ऑनलाइन खेल सकते हो या फिर अपना रेफर कोड अपने दोस्तों को भेज सकते हो और उनके साथ कम्पीट कर सकते हो। जितना अच्छा आप कम्पीट करोगे रैंकिंग के हिसाब से, आप यहाँ पे इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी अनलॉक कर सकते हो। एंड मेरा कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में देख रहा होगा, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, रेफर कोड। जब भी आप साइन अप करते हो, फ्री है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आपको रेफर कोड यूज़ करना है। वेटलिस्ट की क्यू में आपको कम वेट करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इन हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे साइन अप हो रहे हैं। तो यस, पहले आप एक वेटलिस्ट में रहोगे।
एंड अगर आप अपने दोस्तों को 5 to 10 भी रेफर करते हो तो उससे भी आपकी वेट लिस्ट का जो सीक्वेंस है बहुत कम हो जाएगा और इजीली आप अंदर साइन अप करके अपने कोर्स को शुरू कर सकते हो. सो डोंट फॉरगेट टू साइन अप विद नेक्स्ट लेवल ऐप. सो लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो. तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमें ज्वाइन करने चाहिए. देखो इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं बट कुछ उसमें से स्कैम भी हैं. मींस मैं तो हमेशा ये बोलूंगी कि यार ऑनलाइन करने से बेटर है आप जाकर के वहाँ देखो और कभी ना कभी तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा. यार अगर आपको सब कुछ घर पे चाहिए तो ठीक है वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है बट जितना ज़्यादा बाहर जाओगे ऑनलाइन क्लासेस से बेटर अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लोगे आपको उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने को चीज़ें मिलेंगी और आपको एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस से ही ह्यूमन क्या और एक्सपीरियंस से ही हम लोग सीखते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप उस जगह पे जाओ अच्छे रिव्यूज देखो. बाकी हैदराबाद में भी आपके अच्छे इंस्टीट्यूट हैं. मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था दुर्गा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जैसे उनकी जावा बहुत ज़्यादा अच्छी है मतलब पढ़ाने में समझ में आती है अगर आप पढ़ोगे तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. बट हैदराबाद में थोड़े से कम ऑप्शन है शायद जॉब प्लेसमेंट्स के. एज आई हर्ड मुझे एग्जैक्टली एक्सपीरियंस नहीं है. तो आप सब चीज़ें एक्सप्लोर करो. जब आप 10-20 जनों से बात करोगे तो आपको कुछ कॉमन रिव्यूज मिलेंगे उससे आप सही डिसीजन मेक कर सकते हो. सो दिस इज योर टाइम दिस इज योर राइट कि आप अच्छे से एक्सप्लोर करो रिसर्च करो ताकि आप अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर पाओ ताकि आप अपना फ्यूचर अच्छा बना पाओ. अपार्ट फ्रॉम दैट कोडनेस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ कमिंग सून विद इन अ वीक. तो हम कोडनेस के बारे में पूरा रिव्यू करेंगे कैसा लाइक आपका इंस्टीट्यूट है क्या क्या प्लेसमेंट कैटेगरीज है और क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है क्या बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे. तो ये सारी बात करेंगे डिटेलिंग में हम नेक्स्ट वीडियो पे. सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू माय नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.